मन चकरा एक मुमरा ने सुमित डिगले की जबरदस्त बल्लेबाजी से मैच को जीता। हालांकि मुदस्सिर खान के हाथों उनका शून्य पे कैच छूटा था। दूसरा मुकाबला आपके सामने, तीसरा मुकाबला भी चौधरी लॉइंस और एक मुमरा के बीच रहेगा। खेल की शुरुआत होती थी, दोनों ओपनर बीच मैदान पे आ चुके हैं। रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल और उनके साथ नॉन स्ट्राइक पर है वसीम शेख, टीम के कैप्टन है। गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया जा रहा है तुषार रणदिवे को। देखिए तुषार रणदिवे का जहां तक ताल्लुक है, मैंडेटरी पावर प्ले में कमाल की बॉलिंग करते हैं, लेकिन उस्मान पटेल रायगढ़ का टाइगर ये किंग ऑफ रिंग भी माने जाते हैं। रणदिवे की पहली गेंद, उस्मान को ड्राइव किया ऑन साइड में कारपेट के जरिए, बहुत बढ़िया कोशिश वहां पर, हाँ ना चलती हुई, एक ही रन, एक रन से खाता खुला उस्मान पटेल का, खाता खुला हरमन स्कॉट, एक रन। भाई उधर आ गया वाली बिना किसी विकेट के। तुषार रणदिवे सामना करेंगे वसीम शेख जो कि आर्मर स्कॉट के कैप्टन है। पावर प्ले मैंडेटरी चलता हुआ, उछाल दिया गया इनको लॉन्ग रन के ऊपर, 6 रन, व्हाट अ स्ट्रोक। बॉली थी, फॉलो थ्रू लाजवाब एग्जीक्यूट करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर टीम के कैप्टन वसीम शेख, सिक्सर से खाता खोला, कुल स्कोर पहुंचा है 7 रन। वसीम हुंडो के नाम से जाने जाते हैं, जिस तरह हर्षद हुंडो, बिल्कुल उसी तरह की बल्लेबाजी में वो माने जाते हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए। रणदिवे ने थोड़ा आगे रख दिया था, बिल्कुल सामने रख दिया था, ये मानो ऐसा है जैसे आप शेर को मांस दे रहे हो, होना तो ये चाहिए कि शेर को घास दो, घोड़े को मांस दो, दोनों का काम हो जाए। तुषार रणदिवे इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके शॉर्ट आर्म पुल कर दिया है, गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है, तेज आउटफील्ड है, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई, 4 रन। बाजी हो रही है और रणदिवे अब रन दे रहे हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11, वसीम शेख 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल ने 1 रन बनाया। तुषार रणदिवे बढ़िया वापसी, कटर क्या एफर्ट रहा था वहां पर, 1 रन जरूर आया, देखना अंपायर का कोई इशारा नहीं, बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी, कैच छूटा वहां पर, कैच का छूटना कितना महंगा पड़ा। और जिस तरह शहजाद ने बताया कि रोहित शर्मा ने किस तरह 264 बनाए थे, लेकिन गुप्तिल का भी कैच 13 पे छूटा था जब उन्होंने 237 रन बनाए थे। तुषार रणदिवे लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए सामना करेंगे उस्मान पटेल। स्विच हिट की कोशिश, बढ़िया गेंद, फॉलो किया था, आगे रखा था, बीट किया उस्मान पटेल को। उस्मान पटेल भी एक ऐसे बैट्समैन है, या तो ये जल्दी चले जाते हैं या मैच लेके चले जाते हैं, कमाल के खिलाड़ी हैं। बैकफुट पे गए, पंच किया कवर में खिलाड़ी, 1 रन आता हुआ, 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है आर्मर स्पोर्ट्स का, 13 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद। एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर 13 विदाउट लॉस, लूजिंग द टॉस बैटिंग फर्स्ट ईयर। दर्शक अब चारों तरफ नजर आ रहे हैं, हमारा मेन स्टैंड भी धीरे धीरे अब
बढ़ने की तैयारी में यूनिटी ग्रुप मुमरा का ये टेनिस क्रिकेट को दिया जाने वाला अद्भुत तोहफा। बहुत ही खूबसूरत मौसम है, इस वक्त ठंडी हवा के झोंके बह रहे हैं। पहला मुकाबला बहुत ही कट टू कट रहा था, जहां पवन केने का जवाब दिया था सुमित डिगले ने। अब देखना है कि उस एंड से जो कि खारी का एंड कहा जाता है, कौन से गेंदबाज को लगाया जाता है। उस्मान पटेल 3 गेंदों में 2 रन बनाए, टीम के कैप्टन वसीम शेख कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 गेंदों में 11 रन बनाए। टेनिस क्रिकेट के सुनहरे पल आप देख रहे हैं केपीएल। स्वागत है आप सभी का। इसके बाद चौधरी रॉयंस को लगातार खेलना है, जो टीम फील्डिंग कर रही है उनके सामने अगले मैच में रहेंगी एक मुमरा। उसके बाद M3 कंक्रीट का मुकाबला चौथे मैच में रहेगा आर्मर स्कॉट से। पांचवा मैच एक मुमरा बनाम आर्मर स्कॉट और आखिरी मैच चौधरी लॉइंस बनाम M3 कंक्रीट। ये आज के मैचेस की रूपरेखा। खेल की शुरुआत होती हुई दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए अजय पाटिल, मेरे ख्याल से थाना जिला आइकॉन मैन फ्रॉम भड़ोडी, भड़ोडी के हिटमैन कहे जाते हैं, सामना करेंगे बैट्समैन उस्मान पटेल। 4 खिलाड़ी सर्कल में, अजय की गेंद तान दिया आसमान में, गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग, उस्मान पटेल ब्रांडेड स्टॉक हाइन एंड सम 6 रन। हुआ पहुंचा है इस वक्त 19 रन अजय पाटिल। इस मरतबा स्ट्रोक को थोड़ा चेक किया, ऑन ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में 1 रन। उस्मान पटेल पहुंचे 9 पर, स्कोर को पहुंचा दिया 20 रन आर्मर स्कॉट बिना कोई विकेट के। आप देख रहे हैं खासदार प्रीमियर लीग मुमरा क्रेजी किया रे। लंबा कद है अजय पाटिल का, सामना करेंगे टीम के कैप्टन वसीम शेख उर्फ उंडो। ऑफ स्टंप के बाहर कोई शॉट नहीं खेला, कहा जाता है लाइन बिलोंग्स टू अंपायर, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, डॉट गेम। 20 विदाउट लॉस अजय पाटिल। वसीम को बहुत ही खूबसूरत था स्ट्रेट ड्राइव, लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी पहुंचे लॉन्ग ऑफ से, लगभग लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पे आए, 1 रन बनता हुआ स्कोर में, 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 21 पे पहुंचा है आर्मर स्कॉट्स का। आर्मर स्कॉट्स के खेमे में काफी एक से बढ़ के एक खिलाड़ी है अजय पाटिल। इस मरतबा खींच के जरूर मारा है लेकिन कंट्रोल शॉट है, कहीं ना कहीं थोड़ी रुक के गेंद आई थी, थोड़ा कंट्रोल शॉट खेला उस्मान पटेल ने। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 पे पहुंचा है 22 विदाउट लॉस। हर सिक्सर के लिए 1000 रुपए हैं आर्मर स्कॉट को। इस मरतबा बहुत ही दिलकश स्ट्रोक, जादिबुल नजर एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, पीछे प्रोटेक्शन रखा गया 1 रन। यस सर, हर सिक्स के लिए 1000 रुपए की इनामी राशि टीम ऑनर बिलाल शेख साहब की तरफ से आर्मर स्कॉट टीम को। जो भी खिलाड़ी सिक्स जड़ेगा उसके लिए 1000 रुपए की इनामी राशि हर सिक्स पे यहाँ पर टीम ऑनर बिलाल शेख साहब की तरफ से। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। बिल्कुल, बिलाल शेख साहब का भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, जो होना रहे इस वक्त आर्मर स्कॉट के। और 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने 23। शहजाद देखिए 70-70 की गेंदें इस्तेमाल की जा रही है,
70-70 पे सुंदर टेलीकास्ट चल रहा है। 70-70 ड्रेसेस भी आप देख रहे हैं, 70-70 के स्टंप्स भी है, और 70-70 की गेंद पर पहले मैच में अबव 70 का टारगेट था जो चेस किया गया। हालांकि एक बात तो है, शहजाद के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम की जो बाउंड्रीज है वो बहुत दूर है, मानो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की तरह। यहाँ बल्लेबाजों की भी टेस्टिंग है, लेकिन अगर पहले मैच का हम आकलन करते हैं तो विकेट अभी भी दोनों तरफ खेल रहा है। आपके पास अगर बहुत अच्छा वेरिएशन है, बहुत अच्छी गेंदबाजी है, तो आपके गेंदबाज हावी रहेंगे। अगर चूंकि थोड़ी भी गलती हुई तो बल्लेबाज भारी पड़ जाएंगे। मेरे खेल की शुरुआत होती हुई स्वागत है आप सभी का क्रिकेट के सुनहरी पल टेनिस क्रिकेट के। आप देख रहे हैं KPL खासदार प्रीमियर लीग में आप सभी का हार्दिक स्वागत। यूनिटी ग्रुप मुमरा का ये तोहफा, क्रिकेट फॉर पीस एंड क्रिकेट फॉर यूनिटी। गेंदबाजी में एक और तब्दीली की गई है, ज़ीशान ज़ीशान जो कि कैप्टन है, और ये बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ अंपायर का। ज़ीशान शेख सामना करेंगे वसीम शेख, कैप्टन टू कैप्टन, बैटिंग पावर प्ले चलता हुआ, तीन खिलाड़ी सर्कल के बाहर। इस मरतबा बहुत खूबसूरत ऑन ड्राइव, पीछे खिलाड़ी मौजूद है डीप मिड विकेट पर। एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है आर्मर स्कॉट का, 24 रन बिना किसी विकेट के। बिलाल शेख साहब ने हर सिक्सर के लिए आर्मर स्कॉट के बल्लेबाजों को ₹1000 का इनाम रखा है। उस्मान पटेल ने अब तक एक सिक्सर लगाया और 10 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्विंग एंड मिस, बढ़िया गेंद कौन बना के निकल गई बाहर, क्योंकि ज़ीशान शेख राइट आर्म राउंडी स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे। हालांकि बल्ला जरूर चलाया था लेकिन फुटवर्क साथ नहीं दे रहा था, लैक ऑफ फुटवर्क। जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। ज़ीशान शेख उल्टा स्विंग कर दिया, गेंद जा रही है इस वक्त दर्शकों में बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, 6 रन। तोहफा दिया था, दोनों हाथों से कबूल किया। शहजाद अगर घी का लड्डू टेढ़ा भी हो तो खाने में मजा वही देता है। उड़ाने की कोशिश, अपील होती हुई एक आ निकली थी, बढ़िया वापसी। क्या नोक झोंक चल रही है, क्या गर्मा गर्मी चल रही है, और ये सारी क्रिकेट की गर्मा गर्मी आप देख रहे हैं खासदार प्रीमियर लीग में। ₹1000 उस्मान पटेल को आ चुके हैं बिलाल शेख साहब की तरफ से। इस मरतबा लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश, हाउ इज दैट, सवाल किया अंपायर सहमत नहीं। क्रिकेट बचपन में सभी खेले और सभी अंपायर से कहते हैं कि आउट है आउट है, हालांकि वो लफ्ज है हाउ इज दैट, अगर उसको आप रवानी में कहेंगे तो हाउ दैट। राइट आर्म राउंड स्टंप फुल कर दिया है, पावरफुल गेंद सीधी स्टैंड में, 6 रन, व्हाट अ स्ट्रोक। यहां तक ताल्लुक है, जिन्होंने ओवर खत्म किया 2 साल तक उमर 11 के लिए खेले, उमर 11 में एक खिलाड़ी जरूर खेला है 2 साल। लेकिन कहते हैं क्रिकेट में अगर और मगर को कोई जगह नहीं, जर नहीं तर नहीं चालत, किंतु परंतु का तो सवाल ही नहीं उठता है। 3 ओवर की समाप्ति, एक अच्छा टोटल, ₹2000 अकाउंट में जमा हो चुके हैं रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल के, जो उनके ऑनर बिलाल शेख की तरफ से है। कुल मिलाकर 2 सिक्सर
लगा चुके हैं और कुल मिला के 3 सिक्सर लगाए, लेकिन इनाम 2 सिक्सर का है। कुल मिलाकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए उस्मान पटेल की एक बार आंखें जम गई तो इस खिलाड़ी को रोकना मुमकिन ही नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है। बहरहाल एक अच्छा टोटल बनाती रही आर्मर स्कॉट्स। अगला मैच चौधरी लॉइंस और एक मुमरा के बीच रहेगा, जो मैच समाप्ति के बाद टॉस होगा। 3 ओवर में रन जरूर बने 36, लेकिन पिछले मैच को देखकर 70-70 की गेंदे इस्तेमाल की जा रही है। तारीफ सैयद और उनकी कंपनीज ने टेनिस क्रिकेट में 70-70 बॉल को इंट्रोड्यूस किया था उन्हीं के शो ग्रामीण धमाका बिग बैश कोन में। अब खासदार प्रीमियर लीग मुमरा में ये गेंदे इस्तेमाल की जा रही है। पहले मैच में जो लक्ष्य था वो 70 के ऊपर था, इस मैच में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन शहजाद अगर विकेट को हम देखते हैं तो विकेट अभी बहुत अच्छा खेल रहा है। पहले मैच में 74 रन थे और वहीं कुछ हम देखने जा रहे हैं। गेंदबाजी में मरता क्या ना करता तुषार रणदीवी को सामने से लाया। पहली गेंद डाउन द ग्राउंड खेला है, सीधा फील्डर है वहां पर, कोई गलती नहीं लॉन्ग ऑन पर, आउट हो गए वसीम शेख। लॉन्ग ऑन पे आउट हो गए, बहुत बढ़िया कैच लिया था इमरान शेख ने, पहला झटका लगता हुआ। कुल मिलाकर 36 रन, 1 विकेट आउट होने से पहले 8 गेंदों का सामना किया टीम के कैप्टन वसीम शेख ने, 14 रन बनाए। नए बैट्समैन बल्लेबाजी के लिए आते हुए थाना जिला एकॉन भावेश पवार, हरफन मोहल्ला खिलाड़ी, ड्रॉप सीन के हीरो और प्राउड ऑफ भिवंडी एंड महाराष्ट्र क्रिकेट। भावेश पवार को जल्दी भेजा है, गेम प्लान बिल्कुल साफ है आर्मर स्कॉट्स का। रन दिए विकेट हासिल करते हुए, बहुत कीमती विकेट हासिल किए तुषार रन दिए ने। थोड़ा उनका जो बॉलिंग एक्शन है आम छोटा है, इसलिए गेंदे टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बैठ भी जाती। तुषार रणदीवे भावेश पवार को सब सुनार की एक लोहार की और ये सिक्सर भावेश पवार की स्टैंड में जाती हुई 6 रन। भावेश पवार के अकाउंट में जाते हुए कमाल का शॉट खेला है, आते ही इस तरह का शॉट वो भी तुषार रणदीवे जैसे गेंदबाज के सामने, ये बताता है कि भावेश पवार का जो ये सीजन का फॉर्म है वो कितना जबरदस्त है। उछलता हुआ स्कोर पहुंचा है 42 रन। ये ओवर भी बहुत ही इवनफुल चलता हुआ, एक तुम्हारी एक हमारी। तुषार रणदीवे खड़ी एंड से भावेश पवार के लिए, ऑफिस टाइम के बाहर पंच जरूर किया है, शॉट में नहीं है दम, रन मिलेंगे कम। दूसरे की कॉल या खतरा हो सकता है, रॉन्ग एंड थ्रो आया और देखना अंपायर सहमत नहीं, 2 रन पूरे। हालांकि हां ना चलती भी वहां पर दोनों खिलाड़ियों के बीच में, आखिरकार 2 रन पूरे। 2 रन से भावेश पवार पहुंचे 8 पर और आर्मर स्कॉट्स के स्कोर को उन्होंने पहुंचा दिया है 44 रन 1 विकेट। थोड़ा जख्मी हो गए वहां पर खिलाड़ी इमरान शेख, फर्स्ट एड की सुविधा की जा रही है। आप देख रहे हैं क्रिकेट के सुनहरे पल केपीएल, स्वागत है आप सभी का खासदार प्रीमियर लीग में यूनिटी ग्रुप मुमरा की जानिब से।
उस्मान पटेल 3 सिक्सर लगा चुके हैं कुल मिलाकर, हालांकि उन्होंने 3 डॉट गेंदे भी खेली है लेकिन 3 सिक्सर भी लगाए, 22 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसके बाद जो मैचेस हैं उनकी रूपरेखा मैं आपको देता चलूं। चौधरी लॉइंस और एक मुमड़ा अगला मुकाबला, M3 कॉन्क्रीट और आर्मर स्पॉट्स उसके बाद वाला मुकाबला, ये आप देख सकते हैं किस तरह से जख्मी वहां पर हो गए थे इमरान शेख। 70-70 का बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट, क्लीन एंड नीट टेलीकास्ट, 70-70 बॉल्स, 70-70 लाइव स्ट्रीम, 70-70 स्टंप्स, 70-70 ट्रेसेस। देखना है कि खेल की दोबारा शुरुआत हो रही है, मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा जख्मी हो गए हैं, उनकी जगह दूसरा खिलाड़ी मैदान में आएगा। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि टीम के बहुत ही मेन खिलाड़ी है चौधरी लॉयंस के। उनकी जगह चौधरी लॉयंस के और खिलाड़ी मैदान में आते हुए, बहुत ही जबरदस्त फॉर्मेट बनाया गया है। 4 आइकॉन, एक ऑल इंडिया आइकॉन, एक महाराष्ट्र आइकॉन, एक ठाणा जिला आइकॉन और एक मुंबड़ा आइकॉन। खेल की शुरुआत हो रही है, स्वागत है फिर सभी का यूनिटी ग्रुप मुंबड़ा की तरफ से। भविष पवार इरादे साफ कर दिए, सामना कर रहे हैं तुषार रणदीवे का। फील्ड की जमावट, सर्कल में जो कितने ले लो खा लो आप ले लो, 4 खिलाड़ी है। देखिए पॉइंट को, बैकवर्ड पॉइंट को डीप पे ले गया है, शॉर्ट थर्ड मैन है, लगभग डीपिश गली है, मिड ऑफ को सर्कल में बुलाया गया है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर है, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पे तुषार रणदीवे। भावेश पवार को स्लॉट कर दिया है, कोई खिलाड़ी नहीं है, वेकेंट एरिया है, गेंद वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रन। किया है पीछे खिलाड़ी और जाल में फंस गए भावेश पवार, जो ट्रैप बिछाया गया था उसी में आउट हो गए। कहते हैं कि तुषार रणदीवे ने भी अच्छी गोलियां नहीं खाई थी, उन्होंने डीप पॉइंट भेजा, उसी जाल में फंस गए। हालांकि हर सिक्सर के लिए डैशिंग डायनामिक बिलाल शेख की तरफ से, क्योंकि फार्मर स्पोर्ट्स के ओनर है, उनकी तरफ से 1,000 रुपए का इनाम है। स्कोर इस वक्त है 48 रन, 2 विकेट। भावेश पवार ने आउट होने से पहले 12 रन बनाए, 4 गेंदों का सामना किया, 1 सिक्सर 1 चौका लगाया और 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। नहीं, 1 गेंद बाकी है। 12.00 दी करंट रन रेट। रणदीवे की अगर बॉलिंग फॉर्म देखते हैं तो पहले ओवर में भी थोड़े महंगे साबित हुए थे, 13 रन दिए थे, इस ओवर में अब तक वो 13 रन ही दे चुके। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए इस वक्त भूषण बोले, ये आइकॉन खिलाड़ी हैं भूषण गोले,
देखना है कि भूषण गोले और उस्मान पटेल दो बेहतरीन जोड़ी मैदान पर है। 70 प्लस टारगेट भी अब सेफ नहीं रहा जिस तरह पहला मैच हुआ है। तुषार रन दिए भूषण गोले के लिए। पहली गेंद जड़ में थी, छोटी बैकलिप से कवर ड्राइव लगाते हुए शॉर्ट कवर में एक रन। भूषण गोले का खाता खुला, चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कुल रन बने 49, विकेट गिरी है दो। आउट होने वाले बल्लेबाज वसीम शेख और भवेश पवार। अब फिर से भूषण गोले के पास स्ट्राइक और देखना है कि जो डेथ ओवर रहते हैं उसमें गेंदबाजी किसको दी जाती है। हालांकि अपना कोटा पूरा किया है तुषार रणदीवे ने, दो ओवर कुल मिलाकर उन्होंने रन दिए 27 और बहुत बड़ी विकेट भवेश पवार के हासिल की। दोनों विकेटें तुषार रणदीवे के खाते में गई है। धीरे धीरे दर्शकों की तादाद बढ़ रही है। मेरे साथ वॉइस ऑफ मुमरा शहजाद शेख हैं, साथ ही साथ को एंकर पाठक हैं, दृष्टि पाठक। बहुत अच्छे ओपिनियन उनके तरफ से लिए जा रहे हैं। अब देखना है कि क्या रणनीति रहती है बल्लेबाजों की। गेंदबाजी में बुलाया गया है गेंदबाज निशान शेख, टीम के कैप्टन। ओपन क्रिकेट में उमर 11 के लिए 2 साल तक खेले हैं। तेज गेंद, क्या शॉट है, स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन, शॉट ऑफ द डे। गोले के शॉट को देखकर कह सकते हैं हम के गेंदबाजों से कहां हिलना नहीं। ये देखिए स्टैंड एंड डिलीवर, गोले के बल्ले से आता हुआ ये रनों का गोला, इसको उछलता हुआ पहुंचा इस वक्त हार्मर्ड स्कॉट का कुल मिलाकर 55। निशान शेख सामना करेंगे भूषण गोले। पटकी भी गेम, बैक फुट पे गए, थंपिंग कवर ड्राइव किया है, गेंद जा रही है कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन, शॉट वाइड एंड पनिश्ड। जगह दे बैठे थे वहां पर शॉट खेलने के लिए। ये देखिए काफी जगह दी थी हाथ खोलने के लिए। खींच के मारा है, पीछे प्रोटेक्शन रखा गया वर्डिश मिड विकेट पर। हालांकि छोटी गेंद थी लेकिन कहीं ना कहीं शॉट में एलिवेशन नहीं दे पाए थे भूषण गोले। 1 रन से 60 रन, 2 विकेट, 60 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। पहले ही दिन से खासदार प्रीमियर लीग का चर्चा हर जगह होता हुआ। देखिए खर्चा भी बहुत हुआ है तो चर्चा तो होंगे ही। निशान शेख उछाल दिया है गेंद स्टैंड में, उस्मान ने निशान को आसमान दिखा दिया, 6 रन। करी पे वार करते हैं तो बाकी करियां खुद ब खुद खुल जाती है और लोहा गर्म हो तो ये हथौड़ा चलाना चाहिए। काउंटर अटैक हो चुका है, बिलाल शेख के आधा रुपए उस्मान के खाते में और आ गए। निशान महंगे साबित होते हुए उस्मान को, ओ हो हो हो, क्या दे मारा है, मेगा सिक्स,
आउट ऑफ पार्क छेदन। ये देखिए गेंद जा रही है, सजनी गई साजन के घर छह रन। उस्मान ऑन फायर, टाइगर धारता हुआ टाइगर का इस वक्त मुमरा के मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में। जीशान थोड़े दबाव में आ गए, जीशान शेख। एक और 1000 रुपए बिलाल शेख के अकाउंट में जाते हुए उस्मान के। स्विच हिट की कोशिश, नॉट अनेसेसरी। जब घी सीधी उंगली से निकल रहा हो तो टेढ़ा नहीं करना चाहिए, भाई का इशारा अंपायर का। कहते हैं कि घी जब सीधी उंगली से निकल रहा हो तो टेढ़ा नहीं करना चाहिए। बहरहाल 5 ओवर की समाप्ति के बाद बिलाल शेख का ओनर टीम आर्मर स्कॉट्स ने 73 रन बनाए, 6 गेंदें बची और इस पे 15 आए तो फिर डगर आसान नहीं रहेगी। उस्मान पटेल इस वक्त कुल मिलाकर कितने सिक्सर लगा रहे हैं? 5 सिक्सर लगा चुके हैं और 34 पे। मैंने पहले ही कहा था कि उस्मान पटेल वो बैट्समैन है, आप उनका इतिहास उठा के देखिए, पिछला सुप्रीमो कप उसके फाइनल की इनिंग कौन भूलेगा। ये अगर या तो जल्दी चले जाते हैं या तो मैच लेके चले जाते हैं। बहरहाल तस्वीर के एक रूप को देख के बात नहीं होना चाहिए, अभी बारी बाकी है चौधरी लॉइंस की। टाइगर अगर चल रहा है तो लॉइंस भी तो फिर धाड़ेंगे। उस्मान पटेल अगर यहाँ से सिक्सर की हैट्रिक लगाते हैं तो 5000 रुपए का इनाम है बिलाल शेख की तरफ से। मुक्बो की तरफ से, सॉरी। गेंदबाजी में मरता क्या ना करता, राहिद खान को मोर्चे पे लगाया गया है। सामना करेंगे उस्मान पटेल, क्या अर्धशतक होगा? सुमित डिगले 18 गेंदों में 45, पवन केने ने 14 गेंदों में 13 गेंदों में 31 बनाए थे। राहिद खान सामने की ओर से आते हुए उस्मान पटेल के लिए, बैकफुट पे जाके कट करने की कोशिश, रफ्तार से बीट किया गेंद बल्ले को और इरादे दोनों को बीट करते हुए विकेट कीपर के पास। हालांकि उस एंड से शहजाद गेंदबाजी हो रही तो हमने देखा है कि गेंदबाजों को अच्छी खासी रफ्तार मिल रही है। स्कोर इस वक्त 73 रन, उस्मान पटेल 35 पर। सामना करें जाहिद खान का, स्विंग एंड मिस, कमाल की गेंदबाजी, बांधे रखा है उस्मान पटेल को। थोड़ा सा स्क्वायर लेग पर चले गए, फिर क्रीज में वापस आए, 2 डॉट गेंदे। अभी भी मक्कू भाई का मौका है कि आप हैट्रिक सिक्सर की। मुबशिर साहब की तरफ से अभी भी 5000 का इनाम है रायगढ़ के टाइगर के लिए। देखिए बोले उनको कुछ कहने के लिए आए, क्योंकि एक एक गेंद और एक एक रन लीग मैचेस में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जाहिद खान फुलटॉस गेंद, स्विंग कर दिया है कैप में गेंद, फ्लैट सिक्स। देखना अंपायर का क्या इशारा है, सॉरी, यस 6 रन। की तरफ से 5000 का इनाम दिया जाएगा। उछलता हुआ स्कोर पहुंचा है, मुबशिर डोंगरे की तरफ से इनाम है। इस मरतबा बहुत खूबसूरत गेंद, खोद के निकाला डीप, एक्स्ट्रा कवर में गेंद पहुंची, 1 रन पूरा हुआ, दूसरे के लिए जा रहे हैं 2 रन पूरे। बहुत ही दिलकश ड्राइव,
ये देखिए मना किया, खाना चाहिए और आखिरकार भूषण बोले रन आउट। रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या पहला अर्धशतक हम देखने जा रहे हैं खासदार प्रीमियर लीग में। कुल स्कोर है 81 81 रन। हालांकि जाहिद खान ने जरूर 8 रन दिए लेकिन 2 डॉट गेंदें भी करा चुके हैं उस्मान। जाहिद खान ओ हो दूर कहीं आसमान में फील्डर उसके नीचे और आउट हो गए उस्मान पटेल। अभिजीत पाटिल मैन फ्रॉम मुमरा। जाहिद खान पहले इनिंग की आखिरी गेंद बढ़िया गेंद वाइड यॉर्कर और यहां पर बैट्समैन रन आउट। तो कुल मिलाकर रन बने 81 82 रनों को जीतने के लिए आर्मर स्क्वाड्स ने चौधरी लॉयंस के सामने क्या 82 रन पूरे होंगे। पिछले मैच में 74 का लक्ष्य बने रही हमारे साथ डोंट गो वे। और दूसरी इनिंग में खेल की जब शुरुआत होगी तो आपके साथ रहेंगे वॉइस ऑफ मुमरा। मुमरा की वह आवाज जो आपके कानों में रस घोलते हैं। इट्स ओवर टू यू शहजाद शेख।
तो ग्राउंड के अंदर भेजना है बैटिंग यूनिट टीम, प्लीज बी फास्ट। किसी के हाथ में हीरा काफी बड़ा है, लगभग बनाने होंगे जरूरी इस वक्त चौधरी लायंस टीम को। चौधरी लायंस टीम की अगर बात करें तो नो डाउट स्टार से भरी हुई ये टीम चौधरी लायंस इस वक्त परफॉर्मेंस करती हुई। ओपन बैटर के रूप में हम देख सकते हैं तुषार और उनका साथ देने के लिए उतरे हैं बल्लेबाजी की कमान पर शाकिर। इस तरीके की ओपनर बैटर्स की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई, बिल्कुल लक्ष्य बड़ा है लेकिन हौसले और उम्मीदें आपको बड़ी रखनी होगी, तब जाकर ये लक्ष्य आप पार कर सकते हैं। गेंदबाजी की कमान पर यस, एक परफेक्ट ऑलराउंडर की अगर सूची निकाली जाए दोस्तों तो परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका प्ले करने वाला ये खिलाड़ी भावेश पवार, जर्सी नंबर एक भावेश पवार इस वक्त बॉलिंग ट्रैक पर सज्जे होते हुए सामना करने के लिए तैयार है ओपनर बैटर के रूप में आए हुए तुषार रणदिवे। एक होनहार खिलाड़ी है नो डाउट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए जाने और पहचाने जाते हैं टेनिस क्रिकेट में और इस वक्त उन पर जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि लक्ष्य 82 रन्स का रखा गया है और बिल्कुल बिलाल शेख साहब की टीम आर्मर्ड स्क्वाड। पहली गेंद पर रनआउट का मौका बन सकता था, वसीम शेख वहां पर मौजूद थे, हंडो गेंद को उन्होंने रिसीव किया शॉर्ट मिड ऑन रीजन पर और जब तक के थ्रो करते यहां पर अच्छा कमबैक करते हुए शारिक नजर आए और अच्छी वापसी की है। गेंद रही डॉट के रूप में, नेक्स्ट बॉल सामना करने के लिए तैयार तुषार। पटकी हुई गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, इनर एज लेती हुई गेंद, पहली सफलता आर्मर्ड स्क्वाड टीम को मिलती हुई, लगता हुआ इस वक्त बड़ा झटका टीम चौधरी लायंस को। इस वक्त तुषार रणदिवे आउट होकर पवेलियन की राह लौटे हुए, बड़ा विकेट।
जरूर रखी गई है 1000 रुपए। अगर आप विकेट चटकाते हैं तो आपके टीम ऑनर की तरफ से ये कैश प्राइज की इनामी राशि। भावेश की अगली गेंद हल्के हाथों से ड्राइव किया है, सिंगल रन के लिए निकले हैं। चिक्की सिंगल रन यहां पर कंप्लीट किया है। न्यू बैटर के रूप में हम देख सकते हैं बल्लेबाजी की कमान पर आए हैं कृष्णा गौरी इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर आए हैं। चतुर बल्लेबाज है, उन्हें पता है कि पहली गेंद पर विकेट गिरी है। बिल्कुल भावेश पवार को एक विकेट हासिल हुई है, कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है और इस वक्त उसी तरीके का दृश्य यहां पर देखने मिला। चिक्की सिंगल रन यहां पर कंप्लीट किया और एक रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया है। मौका मिला है इस वक्त शाकिर सामना करने के लिए सज्ज होते हुए रिवर्स स्ट्रोक करने की कोशिश, गेंद को खेलना चाह रहे थे, काशी गेंद पहुंची वाशी। चलिए एक रन के लिए तो निकले हैं और एक रन यहां पर कंप्लीट किया है। इस सिंगल के साथ रनों की रन संख्या में थोड़ी सी बढ़त देखने मिलती हुई, इस रनों की रन संख्या में थोड़ा सा फेर बदल देखने मिलता हुआ स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 2 रनों पर। इस बार ये अच्छी गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। बिल्कुल बल्लेबाज जब तक के बैट का फेस ओपन करते हैं गेंद सही सलामत कीपर के दास्तानों में सुरक्षित टॉप के रूप में। कीपर के भूमिका में हम देख सकते हैं उस्मान पटेल, रायगढ़ का टाइगर आज धारते हुए नजर आए उस्मान पटेल। 42 रन की पारी उनकी लाजवाब रही। इस बार देखिए गेंद में थोड़ा सा वेरिएशन किया था, कटर गेंद की थी, बैक ऑफ द हैंड गेंद की थी जिसे नकल बॉल कही जाती है, अकल लगाकर नकल बॉल की और गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। इस डॉट डिलीवरी के साथ पहली ओवर की हुई है समाप्ति। पहली ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या पर नजर डालते हैं तो चौधरी लायंस की टीम थोड़ी सी दुविधा में नजर आती हुई। 2 रन अब तक के खर्च किए भावेश पवार ने और 1 विकेट चटकाने में सक्षम और कामयाब रहे। 1 ओवर की समाप्ति, 1 विकेट के नुकसान के बाद टीम चौधरी लायंस का स्कोर कुछ इस प्रकार का नजर आता हुआ। बोले अनुभवी गेंदबाज है, नो डाउट इनके पास एक्सपीरियंस है, इन फॉर्म है और हर टीम ने इन फॉर्म खिलाड़ियों को ही अपना आइकॉन चुना है। सिलेक्टेड प्लेयर है यहाँ पर, ऑल ओवर इंडिया से आए हुए खिलाड़ी हैं, ऑल ओवर महाराष्ट्र के खिलाड़ी, ऑल ओवर थाना के आइकॉन खिलाड़ी आपको देखने मिलेंगे। इस बार देखिए ऑन द राइज खेलना चाह रहे थे, कदमों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया था, खड़े खड़े स्ट्रोक को कन्वर्ट करने की जरूर कोशिश की थी लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। कुछ ना कुछ कान मंत्र देते हुए इस वक्त शाकिर की अगर बात करें तो ये लोकल स्टार खिलाड़ी है और इस वक्त मुंबई की टीम के ये एक होनहार प्लेयर के रूप में इनकी पहचान। वेलकम पप्पू भाई। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी उस्मान पटेल टाइगर ने जकड़ लिया है अपने पंजे में इस कैच को, विकेट का हुआ है पतंग। मिलती हुई यहां पर पहली सफलता गेंदबाज को जरूर और लगता हुआ झटका चौधरी लायंस को।
बिल्कुल बड़ा विकेट जरूर हाथ लगा है और इस वक्त आउट होने वाले खिलाड़ी रहे शाकिर, आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए निजी एक रन बनाया है, दो गेंदों का सामना किया है। अब न्यू बैटर के रूप में हम देख सकते हैं अशरफ कुरेशी, इनको भेजा गया है और इन पर भरोसा जताया गया है। अशरफ की अगर बात करें तो नो डाउट मेरे ख्याल से स्पॉटलाइट थोड़ा सा परेशान कर रही है खिलाड़ियों को। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डेकोरेटर से, जो स्पॉटलाइट आपने ऑन की है उसके कारण बल्लेबाजों को तकलीफ हो सकती है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फिर से आपको ले चलते हैं क्रिकेट की उसी नगरी में, खासदार प्रीमियर लीग, जिसके चर्चे हर जगह पर मौजूद है। भूषण गुले की अगली गेंद, वेरिएशन क्या था, गति में परिवर्तन। यस, इस बार ये गेंद जरूर शानदार अंदाज में की थी, टप्पा लाजवाब था और सोने पे सुहागा। गेंद में थोड़ा सा कट देखने मिला लेग ब्रेक के रूप में और बचा हुआ काम यहां पर किया जरूर जरूर उस्मान पटेल ने। बल्लेबाज थोड़ा सा परेशान नजर आए और बिल्कुल गेंद रही डॉट के रूप में। इस वक्त गेंदें डॉट करना यानी अपनी टीम को बैकफुट पर लाकर खड़े करने जैसा होगा। इस बार देखिए ऑन द राइज के राधा स्ट्रोक को, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, बेहतरीन कैच, शानदार कैच पकड़ा है अत्तू ने, विकेट का हुआ है पतंग लगता हुआ। एक और बड़ा वाला झटका टीम चौधरी लायंस को। सो गए थे यहां पर जरूर अत्तू और इस कैच को कन्वर्ट किया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, विकेट का हुआ है पतंग और सफलता अपने नाम जरूर अर्पित करते हुए गेंदबाज भूषण गोले। यस, अत्तू के लिए प्राइज मनी आई है 500 रुपीज बिलाल शेख साहब की तरफ से, जो कि टीम ऑनर है। और चौधरी लायंस की अगर बात करें तो महफूज चौधरी जो कि इस टीम के ऑनर है और बिल्कुल इन्होंने भी अपनी टीम को बनाने में बहुत मेहनत की है। यस, 1000 रुपीज प्राइज बनी है बिलाल शेख साहब की तरफ से आर्मर स्कॉट की टीम। यस, 1000 रुपीज हैट्रिक विकेट अगर लेते हैं तो 5000 रुपया मुबशीर डोंगरे साहब की तरफ से। और मंच की देखिए इस वक्त आमिर शाह रौनक बढ़ाते हुए इस वक्त मंच की, उसी तरीके से एहतिशाम खान साहब हमारे पप्पू भाई यंग डैशिंग पर्सनैलिटी मौजूद है, क्रिकेट के चहीते इन्हें माना जाता है, क्रिकेट के प्रति इनका प्यार जरूर आपने देखा होगा 10PL में। इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, फिर से एक बार अत्तू गेंद के नीचे और ये एक और कैच, विकेट का हुआ है पतंग और अत्तू के लिए एक और 500 रुपए की इनामी राशि बिलाल शेख साहब जो कि टीम ओनर है उनकी तरफ से। विकेट का हुआ है पतंग, बैक टू बैक लगता हुआ इस वक्त झटका टीम चौधरी लायंस को। साहब की तरफ से 1000 रुपीज गेंदबाज के लिए और हैट्रिक अगर विकेट लेते हैं तो मुबशीर डोंगरे की तरफ से 5000 रुपये ऑन हैट्रिक है इस वक्त भूषण गोले। अगर इस गेंद पर विकेट आई तो 5000 रुपये की इनामी राशि मुबशीर डोंगरे साहब की तरफ से ये प्राइज मनी। और कैच अगर कोई खिलाड़ी पकड़ता है आर्मर स्कॉट टीम की तरफ से तो उसके लिए भी 500 रुपए की इनामी राशि है बिलाल शेख साहब की तरफ से। क्या शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है
पांच गेंदे कर चुके हैं अब तक के, कोई रन नहीं खर्च किया है और हैट्रिक है और मैडन ओवर की तरफ है। क्या पहला मैडन ओवर यहां पर देखने मिलेगा? भूषण बोले क्या पहले मैडन ओवर का कीर्तिमान अपने नाम रचेंगे? क्या भूषण यहां पर इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज करेंगे? क्या होगा क्या नहीं देखते हैं। ऑन अ हैट्रिक इस वक्त भूषण गोले सामना करने के लिए तैयार होते हुए इस वक्त बल्लेबाज नियाज, बिग हिटर विस्फोटक बल्लेबाज नियाज। इस बार हल्के हाथों से ड्राइव करने की कोशिश की और देखिए चाहते तो रन नहीं ले पाते और पहली मैडन ओवर करने का कीर्तिमान अपने नाम रचता हुआ ये गेंदबाज भूषण गोले। एक बार जोरदार तालियां भूषण गोले के लिए, फर्स्ट मैडन ओवर कंप्लीट करने वाला हजार प्रीमियर लीग का ये पहला गेंदबाज आइकॉन खिलाड़ी भूषण गोले। यस मैडन ओवर कंप्लीट की है तो 1000 रुपए आपको यहां पर आपके टीम ऑनर बिलाल शेख साहब की तरफ से जरूर प्रदान किया जाएगा। 1000 लगभग 3 विकेट चटकाई इस ओवर में, 3 विकेट चटकाई और एक मैडन ओवर यानी लगभग 4000 रुपए की इनामी राशि गेंदबाजी के माध्यम से उनके पक्ष में गई, 4000 रुपए के हकदार बने। तो बिल्कुल मैंने पहले ही कहा था कि मुमरा में प्यार भी है पैसा भी है, आइए इंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम है और खासदार प्रीमियर लीग 3 शर्तों पे रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट। ये आप सभी के लिए सुनहरी संधि है, स्पेशली थैंक्स टू ऑल कमेटी मेंबर्स, बिलाल शेख साहब हमारे कमेटी के जो सदस्य है, साथ ही साथ साजिद अंसारी साहब हमारे माजी नगर सेवक, उसी तरीके से अगर बात करें तो आरिफ इराकी साहब और जावेद अंसारी साहब, इन सभी के साथ साथ यूनिटी ग्रुप ने जो मेहनत की है जब जाकर ये टूर्नामेंट एक रंग लाती हुई और जितना नाम ले, लेकिन नाम के साथ साथ जो काम किया है यूनिटी ग्रुप ने, जितनी तारीफ करें उतनी कम। हमारे यूनिटी ग्रुप की अगर बात करें तो हमारे आयबा है शब्बीर आयबा, हमारे आवेश है, साथ ही साथ मुबो है, मुबशीर है, काफ़ी मेहनत की है इन सभी ने इस टूर्नामेंट को सजाने के लिए, संवारने के लिए और काफ़ी बड़ा योगदान, लगभग 3 महीने इस टूर्नामेंट को सजाने में लगे हैं, 3 महीने की मेहनत इस वक्त रंग लाती हुई आप देख सकते हैं। इस वक्त मंच पर हमारे सभी मान्यवर उपस्थित हैं, विराजमान हैं और इस मैच को एंजॉय करते हुए ताहिर आए हैं गेंदबाजी की कमान पर, मिस टाइमिंग सो गेंद हवा में है, पॉलो थ्रो में गेंद के नीचे ताहिर विकेट का हुआ है बदल और मिलती हुई ये पहली गेंद पर पहली सफलता ये है लोकल मुमरा का गेंदबाज ताहिर। लेकिन आते ही साथ इन्होंने बड़ा विकेट लिया है, कृष्णा गौली जैसे खिलाड़ी को पवेलियन की लौटने पर मजबूर किया है। चौधरी लायंस का आधा खेमा पहुंच चुका है डगआउट में क्योंकि 2 रन पर 5 विकेटें जा चुकी है आर्मर स्कॉट की टीम अब यहां पर हावी नजर आती हुई। विकेट जरूर गिरा है, न्यू बैटर के रूप में आए हैं नोमान शेख बल्लेबाजी की कमान पर, एक बिग हिटर बैट्समैन की छवि रखते हैं, यंगस्टर खिलाड़ी है, युवा है, कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है। सामना करेंगे ताहिर की पहली गेंद का, थोड़ा सा शफल हुए थे, विकेटों की गहराई में जाकर स्ट्रोक को कन्वर्ट करने की कोशिश की लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, बचा हुआ काम उस्मान पटेल ने किया और गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी नो डाउट, ऐसा लग रहा है कि ये विकेट आर्मर स्कॉट का जरूर साथ देती हुई नजर आ रही है क्योंकि विकेटों के ऊपर शानदार गेंदबाजी अब तक के देखने मिली है। इस बार देखिए बैकफुट पर हटे, लेट कट किया है, गैप ढूंढने की कोशिश की है लेकिन वहां पर खिलाड़ी तैनात, अच्छी फील्डिंग
शानदार फील्डिंग जरूर देखने मिलती हुई गली रीजन में। जब तक की गेंद को फील्ड किया जाता है, स्ट्राइक को रोटेट किया है, अब मौका मिला है नियाज को। नियाज की अगर बात करें तो नियाज को अपना अकाउंट ओपन करना है। नियाज की अगर बात करें तो नो डाउट बुमराह की एक बिगेस्ट टीम के ये भी सदस्य हैं और शानदार बल्लेबाजी के लिए इनके नाम की छाप इन्होंने जरूर छोड़ी है और इस वक्त टीम को जरूरत है क्योंकि लक्ष्य रखा गया है 82 रन्स। बिल्कुल 10 गेंदों के बाद सिंगल रन यहां पर मिला है। इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, बैट का अंदरूनी किनारा लगा है, गेंद को जब तक के शॉर्ट्स कर लेग रीजन में फील्ड किया जाता, एक रन यहां पर कंप्लीट किया है, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बड़े हिट की खोज जारी है, बड़े हिट की जरूर मेहनत जारी है, लेकिन अब तक के बड़ा हिट एक भी नहीं देखने मिला टीम चौधरी लायंस की ओर से। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार। इस बार थोड़ा सा बड़ा हिट कन्वर्ट करना चाह रहे थे, रनों के लिए निकले, नजदीकी मामला हो सकता था, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की ताहिर ने, लेकिन सही तरीके से गेंद को रिसीव कर थ्रो नहीं कर पाए और एक रन के लिए निकले। अंपायर का इशारा वाइड और साथ ही साथ 22 के रूप में एक रन जरूर मिलता हुआ। हर विकेट पर बिलाल शेख साहब की तरफ से प्राइज मनी 1000 रुपीज, हैट्रिक विकेट पर वो बच्चे डोंगरे साहब की तरफ से प्राइज मनी है 5000 रुपीज और इस वक्त गेंदबाज की कमान पर है ताहिर, मिस्टर ताहिर सामना करने के लिए तैयार। नियाज बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, घुटना टेक कर तमाशा दिखाने की कोशिश थी, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद रही डॉट के रूप में। यस, क्या शानदार गेंदबाजी रही आर्मर्ड स्कॉट टीम की, लाजवाब गेंदबाजी। नेक्स्ट बॉल, इस बार रूम मिला था, बड़ा हिट लगाने की कोशिश, खाली जोन चुना है, लेकिन खिलाड़ी वहां पर पहुंचते हुए क्या बेहतरीन फील्डिंग जरूर देखने मिलती हुई। डीप मिड विकेट के खिलाड़ी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जाकर भूषण गोले इस गेंद को फील्ड करते हुए नजर आए, काबिले तारीफ, काबिले तारीफ। चलिए इस वक्त आए हैं 2 रन और 2 रन के साथ ओवर क्रमांक 3 हुआ है समाप्त। इस वक्त ड्रिंक्स ब्रेक का अनाउंसमेंट किया गया है, आप कहीं ना जाइएगा, इंजॉय करिएगा। हम लेते हैं छोटा सा डीजे वाला ब्रेक, कम ऑन डीजे। पावर प्ले का जो बचा था वो भी समाप्त हो चुका है इस वक्त जरूर। और अब देखिए बची हुई 3 ओवर शेष है और जीत के लिए 3 ओवरों में जो रनों की दरकार है वो है लगभग 76 रन बनाने हैं। यहाँ से अब अपनी टीम की जो रनों की गाड़ी है उसे टॉप गियर में दौड़ाना होगा, तब जाकर बात बन सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर जो बैटिंग ऑर्डर हर टीम के पास है, बुमराह के जो यहाँ के जो रहीवासी खिलाड़ी हैं नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लोकल कहिए प्रोफेशनल कहिए, हर फॉर्मेट में खेलने वाले ये खिलाड़ी हैं। प्रोफेशनल क्रिकेट भी इन्होंने हाल ही में 10PL में पार्टिसिपेट किया था और एक अच्छे पायदान तलक के पहुंची थी टीम। हमारे बीच आलम शाहम साहब भी आ चुके हैं, नगर सेवक शाहम साहब और राजू अंसारी साहब और एसके वैली के हमारे ओनर अजीम भाई, उनका भी इस्तकबाल है, वेलकम है खासदार प्रीमियर लीग 2023। आयोजन देखिए, नियोजन देखिए, यहाँ पर अगर आप नहीं आए तो आपने एक बड़ी प्रतियोगिता मिस कर दी, क्योंकि इस तरीके की, इस पैमाने की, इस लेवल की टूर्नामेंट बहुत कम देखने मिलती है। और बुमराह की सरजमी पर यहाँ के जो रहीवासी खिलाड़ी हैं वो आइकॉन के साथ परफॉर्मेंस करते हुए, भावेश पवार आ गए हैं गेंदबाजी की कमान पर। भावेश बिल्कुल नाम नहीं है दोस्तों, ये ब्रांड है, याद रखिएगा भावेश, भिवंडी में इनके आगे सर लगता है।
और गेंदबाजी में अपने असर दिखाते हैं। इस बार देखिए पल्लू स्कूप करने की कोशिश की थी, सिंगल रन के लिए निकले हैं, एक रन कंप्लीट किया, एक रन से यहां पर होना पड़ेगा संतुष्ट। यस, सिंगल डबल से बात नहीं बनेगी, चौधरी लायंस जिस तरीके का नाम है उस तरीके का काम करना होगा, लायंस को यहां पर दहाड़ना होगा, रनों को लूटना होगा, क्योंकि अब लक्ष्य आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि टारगेट काफी बड़ा है। इस बार देखे गेंद पर खेलना चाह रहे थे कहीं और, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। चलिए एक रन मिला है जरूर, भावेश भी इस स्ट्रोक के साथ उनके भी चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान जरूर देखने मिली। बिल्कुल नियाज गेंद को खेलना चाह रहे थे, काशी और गेंद पहुंची वाशी, कुछ इस तरीके का दृश्य जरूर देखने मिला। यस, हमारे बीच मंच पर उपस्थित हमारे सभी मान्यवर शालम साहब मौजूद हैं, राजू अंसारी साहब मौजूद हैं, एसके वैली के हमारे अजीम भाई मौजूद हैं, हमारे एहतिशाम खान साहब मौजूद हैं। और इस बार देखिए गेंद हवा में है और ये खूबसूरत कैच, अंजर ने इस कैच को पकड़कर एक खूबसूरत सा मंजर बना दिया और विकेट क्रमांक जाता हुआ छठा। थैंक यू डीजे, इस वक्त मान्यवरों की उपस्थिति होती हुई हमारे बीच जनाब सिकंदर खान साहब भी आ चुके हैं, उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल है, वेलकम है, स्वागत है। आइए सिकंदर भाई, आपका हम तहे दिल से आग्रमण करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, आइए मंच की शोभा बढ़ाइए, खासदार प्रीमियर लीग में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है, वेलकम है, स्वागत है। हमारे बादशाह भाई भी आ चुके हैं, वेलकम बादशाह भाई, आपका भी हम स्वागत कर रहे हैं खासदार प्रीमियर लीग 2023 में। और इस वक्त अगर बात करें चौधरी लायंस की टीम की तो थोड़ी सी डगमगाती हुई ये टीम नजर आ रही है, 6 विकेटें जा चुकी हैं, 10 रन का आंकड़ा नजर आता हुआ, गेंदे अब तक के 3.4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। दर्शकों की तरफ भी हमारे लाइव कवरेज टीम का पूरा ध्यान है और दर्शकों तक के ये कैमरे भी पहुँचाए जा रहे हैं और ये दृश्य छायाचित्र अब तक के पहुँचाया जा रहा है। एक बिगेस्ट टूर्नामेंट आप देख सकते हैं, मानी चाहिए डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के मार्गदर्शन में इस टूर्नामेंट को सजाया और संवारा गया है और बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट प्रेजेंट किया है हमारी पूरी कमेटी के सदस्य ने मिलकर। नेक्स्ट बॉल भावेश, इस बार देखिए भावेश पवार की अगेन, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी नो डाउट। जैद खान आए हैं, जैद खान गेंदबाजी तो नो डाउट अच्छी की थी लेकिन अब बल्लेबाजी की आई है बारी। ओवर क्रमांक 4 इस वक्त हुआ है समाप्त, 4 ओवरों का खेल हुआ है समाप्त, 4 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर थमा हुआ, रुका हुआ 10 रन। विकेटों की अगर बात करें तो 6 विकेटों के नुकसान के बाद बची हुई 12 गेंदों का खेल शेष है और 12 गेंदों में जीत के लिए अभी भी 72 यानी 72 रनों की जरूरत है इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। तो लेते हैं एक ब्रेक डीजे वाला और फिर जुड़ेंगे आपके साथ केबीएल 2023 के माध्यम से। धन्यवाद। इस बार गेंदबाजी की कमान पर बुलाया गया है तबरेज को, तबरेज आए हैं गेंदबाजी की कमान पर और तबरेज की अगर बात करें तो नो डाउट एक होनहार तेज तर्रार गेंदबाज की छवि रखते हैं अपनी गेंदबाजी के दमखम पर। इससे पहले की प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज का भी खिताब इन्हें बाइक के रूप में मिला था, वही गेंदबाज इस वक्त आए हैं गेंदबाजी की कमान पर। इस बार खेला गया स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ रीजन में जहाँ पर वसीम मौजूद है, वसीम शेख प्यार से इन्हें होंडो कहा जाता है, होंडो क्यों कहा जाता है, इन्होंने प्रूव किया है इनकी बल्लेबाजी कुछ उसी अंदाज की है जिस तरीके की बात करें
हर्षद होंडो की है, उसी तरीके का गेम और उसी तरीके का फेस लेकर परफॉर्मेंस करते हैं। इस बार देखिए शॉर्ट पीस गेम थी, गति में थोड़ा सा फेर बदल किया था, गेम को खेला है जरूर डीप लॉन्ग ऑन रीजन में, भावेश वहां पर मौजूद थे, भावेश ने गेम को फील करके थ्रो किया लेकिन दो रन यहां पर कंप्लीट हुए। यहां पर ऐसा लग रहा है कि टीम चौधरी लायंस सिर्फ औपचारिकता ही पूरी कर रही है क्योंकि जाहिद एक तरफ खड़े हैं, एक तरफ नियाज है, नियाज हाशमी है, नियाज हाशमी से काफी उम्मीद है और अब तक के कोई भी बड़ा हिट नहीं, ये बड़ी बात रहेगी। इस बार देखिए बैट का अंदरूनी किनारा लगा, उस्मान पटेल ने इस कैच को बनाया और इस कैच के साथ साथ विकेट क्रमांक सातवां जरूर गिरता हुआ, सातवां झटका इस वक्त चौधरी लायंस को जरूर लगता हुआ, वैसे ही आंकड़ा है 13 का और यहां पर 3-13 होता हुआ सातवां विकेट जरूर जाता हुआ। बिल्कुल 13 रन पर 7 विकेटें जा चुकी हैं टीम चौधरी लायंस की और हर विकेट पर टीम ऑनर बिलाल शेख साहब, टीम आर्मर स्कॉट के जो टीम ऑनर है उनके लिए प्राइज मनी, उनकी तरफ से प्राइज मनी है। इस बार क्या हिट लगा है सोनू, 6 रन के लिए, व्हाट अ हिट, दिस इज अ ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल 6 रन। सोनू कहा जाता है, इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर आए हैं, छोटा पैकेट है लेकिन धमाका बड़ा है, आते ही साथ अपनी धमाकेदार एंट्री इन्होंने की है 6 रन के साथ, 6 के साथ स्कोर 19 रनों पर दर्शाता हुआ। नेक्स्ट बॉल का सामना करने के लिए तैयार मेहताब, रिवर्स स्ट्रोक करने की कोशिश लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद रही डॉट के रूप में, इस डॉट डिलीवरी के साथ ओवर क्रमांक 5वां भी हुआ है समाप्त, अब बची 6 गेंदें शेष है और जीत के लिए जो रनों की दरकार है वो है इस वक्त लगभग 63 रनों की जरूरत। अगर यहां से ये 6 गेंदों में 63 बन गए तो जो खिलाड़ी ने 63 रन बना दिए 6 गेंदों में या तो उनका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आएगा और साथ ही साथ पूरे मुंबई में उस खिलाड़ी के बैनर लगेंगे। बिल्कुल ये एक रिकॉर्ड बनेगा, 6 गेंदे 63 रन। देखिए क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि क्रिकेट में हमने देखा है 2 गेंदों में 12 रन बनते हैं, 2 गेंदों में 13 रन बनते हुए और 1 बॉल में 10 रन भी बनते हुए देखे। अब क्या यहां पर 6 गेंदों में 63 रन कल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड में, क्या बात है, अगर 6 गेंदों में 63 रन हुए तो कुछ ना कुछ गिफ्ट एम्पायर रहेगा। इस बार देखिए गेंद को खेला है जरूर नियाज ने, मिड विकेट जोन को टारगेट किया था, 1 बाउंस आउट ऑफ द पार्क, ये आता हुआ KTL 4-4-4 रन। दिल्ली काफी दूर है, अब दिल्ली काफी ही दूर है ये तो जरूर कहा जाएगा। 23 रन पर 7 विकेटें जा चुकी हैं, लक्ष्य 82 रनों का था, इस बार हल्के हाथों से खेला गया स्ट्रोक जरूर है, 1 रन के लिए निकले हैं, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं, लास्ट ओवर के लिए चुना गया था ताहिर को, ताहिर की अगर बात करें तो नो डाउट इन्होंने अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, इससे पहले की ओवर की अगर चर्चा करें
तो 6 रन देकर एक विकेट इन्होंने चटका था और वो बड़ा विकेट था। एक आइकॉन खिलाड़ी कृष्णा गवली जैसे खिलाड़ी को इन्होंने पवेलियन की तरफ लौटने पर मजबूर किया था। वही गेंदबाज इस बार देखिए थोड़ा सा शफल हुए, गेंद को खेलने की कोशिश थी, स्टंप्स के पीछे टारगेट किया था, स्ट्रोक कन्वर्ट करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, 22 के रूप में एक रन और गेंद रही डॉट के रूप में। बिल्कुल इस वक्त मैच में सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह गई है, बिल्कुल फिलिंग इन द ब्लैंक, जिस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन आता था खाली जगह भरो। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है और कीपर गेंद के नीचे, खूबसूरत कैच पकड़ा भावेश पवार ने, विकेट का हुआ है पतन और एक और सफलता जरूर ताहिर के नाम आती हुई और 1000 की इनामी राशि के ये जरूर इस ओवर में विकेट लेने के बाद बनते हुए उनकी टीम ऑनर बिलाल शेख साहब की तरफ से एक और 1000 रुपए की इनामी राशि इनके नाम। टीम के आइकॉन खिलाड़ी जो कि मुंबई के आइकॉन है जिशान शेख बल्लेबाजी की कमान पर, 8 विकेटों का नुकसान महंगा साबित हुआ है चौधरी लायंस टीम को, यहां से कुछ ना कुछ सबक सीखना जरूरी। नेक्स्ट बॉल, ये अच्छी गेंद थी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, लेकिन विकेटों के पीछे अंजर नाम की दीवार मौजूद है, अंजर ने थ्रो किया था जरूर लेकिन यहाँ पर एक रन चुराने में सक्षम और कामयाब रहे बल्लेबाज। चलिए एक गेंद बची है और मैच की समाप्ति होगी काफी बड़े अंतर के साथ, अब देखना यह है कि कितने अंतर से हारेगी टीम चौधरी लायंस। इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, कैच के लिए 3 खिलाड़ी थे लेकिन कैच हुआ है ड्रॉप। बिल्कुल अगर ये कैच पकड़ ली जाती तो 1000 रुपए की इनामी राशि जरूर ताहिर के पक्ष में थी। चलिए मैच की हुई है समाप्ति, इस मैच को जीत लिया है टीम आर्मर स्क्वाड्स ने, कॉन्ग्रेचुलेशन टीम आर्मर स्क्वाड्स। एंड उसी तरीके से टीम ऑनर बिलाल शेख साहब आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, इस मैच को आपकी टीम ने जीता है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं शुभेच्छाएं, और हार्ड लक टीम चौधरी लायंस महफूज चौधरी, उनकी टीम इस मैच में कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई इसलिए उनका भी धन्यवाद। चलिए टॉस बॉक्स में आपको ले चलते हैं, चौधरी लायंस वर्सेस एक मुमरा के बीच हम टॉस करेंगे, तो दोनों टीम कैप्टन्स आपको टॉस के लिए आना है।